अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो उसके लिए घंटी को दबाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो है अमेजिंग फैक्ट्स ऑन ऑटर हाउंड इन हिंदी। ऑटर हाउंड एक ऐसा डॉग है जो हंटिंग में यूज होता था और ये अपनी आंखों की बजाय अपने सेंट जो मतलब सूंघने की शक्ति है उस पर ज़्यादा भरोसा करता है। अब ये बता दूँ इसमें एक और खासियत है जो आपने कभी डॉग्स में देखी नहीं होगी, ये कम पाई जाती है। इनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड फीट बोले जाते हैं। वेब्ड मतलब अगर पैरों की अगर दो उंगलियाँ अगर जुड़ी हुई हों मांस से मतलब स्किन से तो उन्हें बोलते हैं वेब्ड फीट, जो इस ऑटर हाउंड में है। और इन ये बहुत रफ हैं, रफ मतलब काम करवा लो आप पूरे दिन इनसे, ये वैसे रफ है। इनका जो डबल कोट होता है इन्हें सर्दी गर्मी दोनों में बचाता है और तभी ये पानी में भी ज़्यादा अच्छे से तैर लेते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो लार्ज होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है जो हंटिंग के मुताबिक बिल्कुल है, लेकिन अब हंटिंग होती नहीं है तो ये ज़्यादा स्मेलिंग में मतलब जो पुलिस वगैरह है जो आर्मी है इन्हें बहुत यूज़ करते हैं। अब पर्सनैलिटी बता दूँ इनकी बहुत बिग पर्सनैलिटी होती है, अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करते हैं, बहुत अफेक्शनेट होते हैं और बहुत चीयरफुल होते हैं। एनर्जी लेवल थोड़े बहुत एक्टिव होते हैं और प्लेफुल होते हैं। और ये ऑल टाइम वेदर है, मतलब हर वेदर में अच्छे से खेलते हैं, इनका कोई नहीं है जैसे ये गर्मी के लिए बने हैं सर्दी के लिए बने ऐसा कुछ नहीं है, ये हर वेदर में अच्छे से अपने आप को ढाल लेते हैं। स्विमिंग में इनकी स्पेशलिटी होती है, बहुत अच्छे से स्विम करते हैं, एक वन ऑफ द की फैक्टर्स है इनका कि ये स्विमिंग में महारत है इन्हें। बच्चों के साथ इनका बिहेवियर अच्छा है लेकिन थोड़े बड़े बच्चों के साथ, दूसरे डॉग्स के साथ भी बिहेवियर अच्छा है लेकिन थोड़ी सुपरविजन की ज़रूरत है। शेडिंग इनकी सीजनल होती है, ग्रूमिंग ओकेजनल होती है, ट्रेनिंग इंडिपेंडेंट होते हैं मतलब अपने आप कर लेंगे। हाइट मेल की 27 इंचेस की होती है और फीमेल की 24 इंचेस की। वेट 115 पाउंड का होता है मेल का और 80 पाउंड का होता है फीमेल का। मुझे लगता है क्योंकि डबल कोट है उसकी वजह से इनका थोड़ा वेट बढ़ जाता होगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 से 13 साल की उम्र तक ये जीते हैं, तो एवरेज के पास ही है तो ठीक ही माना जाता है। बार्किंग लेवल जब ज़रूरी होता तभी भौंकते हैं। तो अब आ जाते हैं इनकी रैंकिंग पे। तो एज पर अमेरिकन कैनल क्लब इनकी रैंकिंग 166 है, मतलब 166 पोजीशन पे है। ये पॉपुलैरिटी बेस्ड रैंकिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, ये इनके स्किल सेट बेस्ड रैंकिंग नहीं है। अब हिस्ट्री में ये कहाँ से जानने लगे अपने आप को, मतलब हिस्ट्री में कहाँ इनका पहला सेशन रिकॉर्ड हुआ था, वो है 1909 से इनका पहला सेशन रिकॉर्ड हुआ था। अब ये मैं बता दूँ बहुत ही इवन टेम्पर्ड होते हैं, पॉस्ट्रस मतलब अपने आप को आगे रखने के लिए महारत होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो शुक्रिया देखने के लिए, और अगर देख ही लिया है यहाँ तक तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। Thank you.